एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है, ले लेते हैं। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ओके, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ओके। ई इज ए पॉइंट ऑन एडी, ई जो है एडी पर कोई पॉइंट है, ले लेते हैं, ओके। एंड ए इक्वल टू ए ई रेशियो ईडी, 5:1 है, ए ई रेशियो ईडी 5:1 है, ठीक है। सिक्स टाइम ऑफ सिक्स टेन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल एबीडी 60 है, ये आपको 60 दिया हुआ है, आपको एंगल एसीबी बताना है। पहले बस मुझे इतनी सी बात बता दो, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। क्वेश्चन के स्टेटमेंट आपको क्लियर है भाई, मैंने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे पढ़ा और बनाया, जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन के स्टेटमेंट आपको क्लियर है। ठीक है, डन, गुड। अब सॉल्व करते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, देखिए हमने मुझे दो एंगल दिए, डी बी ई, डी बी ई, डी बी ई, डी बी ई, ये वाला एंगल, इसको मैं अल्फा ले लेता हूं, और ए सी डी, ए सी डी ये एंगल, इसको मैं बीटा ले लेता हूं, ठीक है। अब सवाल में दिया हुआ है सिक्स टाइम ऑफ टेन अल्फा बराबर है टेन बीटा के, ये दिया हुआ है सवाल, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको 5x ले लूं, इसको मैं x ले लूं, तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब इस ब्लैक ट्रायंगल में सिक्स टाइम ऑफ टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर मैं x ले लूं, तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब इस ब्लैक ट्रायंगल में सिक्स टाइम ऑफ टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन बीटा क्या होता है, टेन बीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, ये होगा सिक्स एक्स अपॉन सी डी, यहां से सिक्स एक्स से सिक्स एक्स कट गया, तो यहां से आ गया बी डी बराबर सी डी। अब सुनना मेरी बात बड़ी गौर से, बी डी बराबर सी डी आ गया, इससे पता है क्या पता चल रहा है, इससे पता है क्या पता चल रहा है, जब बी डी सी डी के बराबर हो गया तो ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। यस, जब कभी भी कोई परपेंडिकुलर इस भुजा को बराबर बराबर काटे तो आइसोसेलस ट्रायंगल होता है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, आंसर आ गया, खत्म। छोटा सा तो सवाल था, ये वो 30 सेकंड अपने आपको दिया करो समझने के लिए, तब पूछा करो सवाल। ठीक है, आप किसी को डाउट पूछना है तो पूछ लो, लेकिन पर्टिकुलर डाउट पूछा करो। अगर आपको लगता है कि पूरा ही मुझे देखना है दोबारा, तो फिर रिपीट में रिकॉर्डेड में देख लो। ठीक है, तो मैंने कहा ना, ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो और ये आधा आधा काट रहा है तो आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, चलो जब होमवर्क वाले सवाल खत्म हो जाए मुझे बता देना, फिर टाइम दूंगा मैं आपको एक मिनट का सॉल्व करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जब होमवर्क वाले सवाल खत्म हो जाए तो बता देना मुझे। नहीं दीपिका, वैसे ठीक है जिसे कराया था।
ट्राई कर लेना आप, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, सुनिएगा बड़ी ध्यान से। एक ट्रायंगल है एबीसी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एबी बराबर बीसी है, एबी बराबर बीसी है। अब एक बात और, जब एबी बराबर बीसी है तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 है ना, ये राइट एंगल आइसोसेलेस्ट एंगल हो गया ना ये। अच्छा आगे लिखा है फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट डी, यहाँ पे कोई अंदर कोई पॉइंट डी है, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द साइड ए बी एंड ए सी, मतलब ए बी साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है और इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है, और इस तरह से डाला गया है कि डी पी परपेंडिकुलर है इस पर और डी को परपेंडिकुलर है ए सी। आपको ए पी दिया हुआ है ए, ये ए है, ए पी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है आपको, और ए क्यों दिया हुआ है बी, और एंगल बी ए डी है 15, बी ए डी 15, आपको साइन 75 के वैल्यू निकालनी है ए बी की फॉर्म में। पहले बस मुझे बताओ, जैसे जैसे मैंने पढ़ा है और सवाल बनाए, स्टेटमेंट और फिगर दोनों क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा। ओके ठीक, आप जरा गौर से मेरी बात को सुनना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये 75 डिग्री होगा, तो साइन 75 निकालना है ना हमें, तो सिंपल सी बात है, साइन 75 हो जाएगा ये 90 डिग्री है, ठीक, है होता, जब ए बी बराबर बीसी है तो ये एंगल 45 डिग्री, साइन 30, साइन 90 परपेंडिकुलर ओके ठीक, आप जरा गौर से मेरी बात को सुनना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये 75 डिग्री होगा, तो साइन 75 निकालना है ना हमें, तो सिंपल सी बात है, साइन 75 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब अगर मुझे एडी मिल जाए ना तो मेरी बात बन जाए, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, जब ये पूरा 45 है, ये 15 है, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 डिग्री होगा,
ओके, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में देखूं, तो साइन 60 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा √3/2 बराबर बी अपॉन एडी। तो ये एडी बराबर हो जाएगा 2b/√3। बस एडी के लिए यहां रख दो, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, √3a/2b आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर? विराट समझ में आ गया ना आपको? लेकिन मैं कहूंगा कि रिकॉर्डेड देख लेना एक बार इसको जरूर। और मैं आपको बता दूं इनको, ये तरीका क्या है याद करने का, तरीका इनका क्या है, इनको याद करने का तरीका है PBP HHB। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन कोटा कोसेक होता है, ठीक है? ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? उसकी चिंता ना करें, ट्रिग्नोमेट्री अपने जब टर्न आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। करिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी का। वो इंग्लिश मीडियम में हुआ ज्योमेट्री से टॉपिक स्टार्ट, यहाँ पे तो शुरू से स्टार्ट हुआ है हिंदी मीडियम वाले में, ठीक है ना? वो इंग्लिश मीडियम में ज्योमेट्री से स्टार्ट हुआ है, नया बैच। यहाँ पे नया बैच शायद नंबर सिस्टम से शुरू होगा, अरिथमेटिक से, ठीक है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है? इसको करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको दी हुई फिगर में बताना है क्या? एसीडी बताना है। एसीडी कहाँ है? एसीडी आपको ये एंगल बताना है ना। आप खुद सोचो, ये एक्स बाई टू है, ये एक्स बाई टू है, तो ये एक्स होगा, यानी कि आपको बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल में देखूं तो इसका इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, यानी कि एक्स बाई टू और एक्स का एक्सटीरियर एंगल है 108, यानी 3x/2 बराबर 108 और x बराबर 108 × 2/3, 36 × 72 आंसर, 700, ये 72 डिग्री हो जाएगा। ये डिग्री है यार, ये डिग्री वाली जीरो थी, ये नीचे आ गई गलती से, ठीक है? सही है, क्लियर है सबको? तो लिख दो फिर यस सर। चलो बताओ फिर इसका आंसर।
क्या लिखा है सवाल में, इफ एंगल ए ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज 30 डिग्री, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए 30 डिग्री है, ठीक है, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 10, सर्कम रेडियस 10 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। ओहो, साइन रूल लगाना है ना, तो आपको पता है ना ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है, ए अपॉन 2 साइन ए, सही है। सॉरी, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं, देखो आर बराबर हो, देखो मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूं, अगर जैसे कोई ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये सर्कम सर्कल है, तो सर्कम रेडियस निकालने के ये भी एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर ए अपॉन 2 साइन ए, आर बराबर बी अपॉन 2 साइन बी, और आर बराबर सी अपॉन 2 साइन सी, ये भी फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आर निकालना है, तो आर बराबर होगा यहाँ पे बी सी अपॉन साइन ऑफ 30, 2 साइन ऑफ 30, तो आर दिया हुआ 10, बी सी निकालना है, ये 1/2 है, ये कैंसिल, टीसी बराबर 10 आ गया, समझ में आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं है, क्लियर है, तो ये से लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आंसर बताइए फटाक से, जब होमवर्क वाले क्वेश्चन खत्म हो जाए बता दीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 12 साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। भाई सिंपल सी बात है, सर्कम रेडियस क्या होती है, ए अपॉन 2√3, इन रेडियस क्या होती है, मतलब सर्कम इन रेडियस का a/√3, सर्कम रेडियस क्या होती है, a/√3, तो बस ये हो गया 12/√3, और ये हो गया 12/√3, 2 6 12, दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो ये हो जाएगा 6/√3, और 6/√3 का मतलब क्या है, रेशनलाइज कर लो, 2√3 आंसर। डीसी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कहां से आ जाएगा, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, बात समझ में आई सब लोगों को। देखो मैं दोबारा कर देता हूं, देखो इन रेडियस होती है साइड बटे में 2√3, सेकंड रेडियस होती है साइड बटे में रूट तीन, सही बात है, 2 6 12, ये 6/√3 हुआ, इनमें डिफरेंस है तो निकालना है, डिफरेंस कितना, 12 में से 6 गया, 6/√3 बचा, और 6/√3 में रैशनाइज किया तो आ गया 2√3 आंसर। दिक्कत कहां आ रही है मुझे ये बता दो, तो बस ये तो आप कई लोग है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार कराया, ये कर लोगे आप, आपके प्रैक्टिस के लिए है। देखो होमवर्क में देने में और प्रैक्टिस में देने में दोनों फर्क है,
जो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा वो तो मैं कराऊंगा ही, जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में दूंगा वो आपको ही करने हैं, तो मतलब सेम क्वेश्चन है कर लोगे आप। नेक्स्ट, हाँ इसको बताओ आंसर जल्दी से कितना आएगा। देखो आपको पता है 21, 28 और 35, मुझे बस इतना बताओ क्या ये पाइथागोरस इंटरप्रेट होता है या नहीं होता, जल्दी बोलो क्या ये पाइथागोरस इंटरप्रेट होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। होता है ना, तो इसका मतलब हम राइट एंगल, मतलब सुनो ये मीडियंस की लंबाइयां हैं, इसका मतलब मीडियंस को मिलाकर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, सही बात है ना। इसका मतलब मीडियंस को मिलाकर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक बात, बिल्कुल बना सकते हैं ना। ठीक, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है एबीसी, हमेशा ध्यान रखना मैंने पढ़ाया भी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा 4/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन, ठीक है, बस 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय मीडियन कितना है ये 1/2, 21 × 28, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये 14 हो जाएगा, ये 3 से 21 हो जाएगा, 4 × 7 × 14, सारे के सारे जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है, 728, 832, 342 आंसर आ गया। तो जब कभी भी सारे के सारे ऑप्शंस में यूनिट डिजिट अलग अलग हो ना तो पूरी मल्टीप्लाई मत किया करो, सीधा 728, 8, 832, 2, तो 2 सिर्फ किसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो पूरी मल्टीप्लाई मत किया करो यूनिट डिजिट से, किया करो क्वेश्चन को, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो। ठीक, नेक्स्ट बताइए। ठीक, नेक्स्ट बताइए, बहुत अच्छा सुंदर टिकाऊ सवाल, बोलो आंसर, 1 मिनट दे रहा हूं इसके लिए आपको, कर लो ट्राई।
चलो करते हैं, बहुत ही सुंदर सवाल है। क्या लिखा सवाल में? इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 58 डिग्री। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें जो एंगल ए है ना वो 58 डिग्री। ठीक, आगे लिखा है एबी एंड एसी आर एक्सटेंडेड टू द पॉइंट्स डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। जो एबी है उसको आगे एक्सटेंड किया गया, इसको आगे एक्सटेंड किया गया डी और ई पॉइंट तक। बाइसेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स एबीसी एंड एसीबी मीट एट ओ, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर मिलते हैं। व्हाइल द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ डीबीसी एंड ईसीबी मीट एट पी, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर पी पॉइंट पर मिलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ एंगल ओ एंड एंगल पी? इसमें इसमें डिफरेंस आपको बताना है। देखो एंगल ओ और एंगल पी में डिफरेंस बताना है। एंगल ओ होता है 90 प्लस एंगल ए बाई टू, और ये होता है 90 माइनस एंगल ए बाई टू। 90 से 90 गया एंगल ए बाई टू एंगल ए हो गया। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, जब कभी आपसे इसका और इसका डिफरेंस पूछ लिया जाए ना तो वो एंगल ए ही होता है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थिंक विदाउट इंक वाला सवाल है ये, मतलब बिना पेन चलाए आंसर दे दो। बात समझे आप? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सबको क्लियर? तो यस सर लिखें। वेलकम पिंकी, पिंकी पिंकी। ठीक है, अच्छा इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में डिस्टेंस बताना। कर लोगे इसको? ऐसा क्वेश्चन तो करा चुका हूं मैं,
कर लोगे ना इसको तुम? ठीक है, यस और नो बोल दो, कर लोगे या नहीं? ऐसा क्वेश्चन तो कितनी बार करा चुका हूं यार। नेक्स्ट, चलिए करी। आंसर लिखा है तो मैंने बता तो दिया था विराट, अभी बता दिया नहीं मिल रहा था, बता दिया मैंने। ठीक है, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। ये सर्कल है, कॉर्ड की लेंथ 16 है, ठीक है, और रेडियस 10 है, रेडियस 10 है, आपको बताना है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। दोस्तों सेंटर से परपेंडिकुलर जब डालते हैं कोण पर, तो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, सही है ना? तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 होगा आंसर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। क्लियर? तो यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन बहुत। हाँ विराट, और दोस्तों इस संडे में आपकी दो क्लास है, जो 2 दिन की छुट्टी थी ना, दो क्लास मिस हो गई थी, इस संडे में आपकी दो क्लास है, ठीक है? हाँ मैंने कहा ना, जब कभी भी आपकी छुट्टी हो जाएगी तो टेंशन मत लिया करो आप, आपकी कभी आगे आने वाले सैटरडे संडे में वो क्लासेस मैनेज। लिखा है पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, वो चंद्रशेखर धीरे धीरे आएगा डियर, दिया हुआ है एपीवी 40 दिया हुआ। पी ए एंड पी बी, ठीक है, और एपीवी 40 दिया हुआ है, एपीवी 40 दिया हुआ है आपको, होता है ना ओ ए बी, ये एंगल बताना है, तो इसको थोड़ा सा अलग, यहाँ जगह बची नहीं, यहां बनाते हैं। जैसे एक सर्कल है, इस पर दो टेंजेंट हैं पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, ठीक है। अच्छा आगे लिखा है एपीबी 40 है, ये सेंटर है,
ओ, तो आपको ओ ए बी बताना है, ओ ए बी आपको ये एंगल बताना है। अब मेरी बात को गौर सुनेंगे आप, ठीक है दोस्तों? हमेशा ध्यान रखना, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आप जरा ध्यान दो, आप इस चतुर्भुज में, ये 90 है, ये 90 है, मतलब आमने सामने के सब 90 है, तो ये भी 90 होगा, ये 40 है तो ये 140 होगा, सॉरी ये सम 180 है आमने सामने का, तो इसका सम भी 180 होगा, तो अगर ये 40 है तो ये 140 हो जाएगा, ठीक है? अब जरा, क्योंकि चतुर्भुज में ये 90 है, ये 90 है, मतलब आमने सामने के सब 90 है, तो ये भी 90 होगा, ये 40 है तो ये 140 होगा, सॉरी ये सम 180 है आमने सामने का, तो इसका सम भी 180 होगा, तो अगर ये 40 है तो ये 140 हो जाएगा, ठीक है? अब जरा, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है ना। हाँ, अब जरा आप देखो इस ग्रीन ट्रायंगल में, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, रेडियस है क्योंकि, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये 140 है तो ये 20 20 के हो जाएंगे, तभी तो हो जाएगा 180 टोटल, तो आंसर आ गया, बस स्क्रीनशॉट लो, नोट लिखो। चलो बताओ फिर, एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेना, क्या है 20 20 कैसे हुआ, तो इन देखो मैं अलग से बनाया था उस ट्रायंगल को, ग्रीन वाले को, ये ऐसे था तो, ठीक है ये 140 है तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये 140 है तो ये 20 और ये 20 हो जाएगा, तभी तो टोटल मिला के 180 होगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर भी हैं, समझ रहे आप, दोनों एंगल बराबर है ना, इसलिए मतलब जब कभी भी किसी भी, चलो एक थ्योरम ऐड कर लो, आ मैंने इसलिए 5 पे छुड़वाए थे वो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हो, इंस्क्राइब्ड हो, तो आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर होता है, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर होता है बी सी प्लस ए डी। ध्यान रखना, कभी भी ए बी बराबर, जब कभी भी सर्कल इंस्क्राइब है किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो आमने सामने की भुजाएं मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो ये थ्योरम है, नोट कर लो। अच्छा शायद कह रहे हैं ये कैसे हुआ, चलो बता देते हैं, देखो शायद ध्यान से देखना, देखो जैसे मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके ऊपर, इसके अंदर मैंने ये बना दिया एक सर्कल, क्या बना दिया, इन सर्कल,
ठीक है, ये इन सर्कल बना दिया। अच्छा देखो ये एबीसीडी है। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ए, मान लो ए बी सी टी, ठीक है ये है, तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ए प्लस सी बराबर होगा बी प्लस डी के, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, देखो इसको ना नंबर्स में लेके करेंगे तो आपको मजा भी आएगा, समझने में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। देखो कैसे करेंगे इसको, सब लोग ध्यान दीजिएगा। हम एक काम करते हैं, वैसे एबीसीडी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये 7 है, ये 4 है, 7 4 11, तो ये 5 और 6 11, मतलब ये बराबर है ना, 5 और 6 6 22, इसको प्रूव करके देखते हैं। अब मैं देखता हूं, मैं इसको एक्स मान लेता हूं, मैं इसको एक्स मान लेता हूं, तो ये जो देखिए भाई, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, 6 5 11 सही है, और 7 और 4 11, मतलब एक्स मेरा 4 आना चाहिए ना। अगर एक्स मेरा 4 आ गया तो बात बन जाएगी, यस और नो बताइए, बोलो 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 भाई। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान ये मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो अगर ये एक्स मेरा 4 आ जाए तो बात बन जाएगी, बोलो मान लोगे? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं काम करता हूं, इसको ले लेता हूं ए, इसको ले लेता हूं बी, सही है ना। तो इसका मतलब ये ए है, तो दोस्तों ये भी ए हो जाएगा। अभी पूरा का पूरा 5 है, तो ये 5 माइनस ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये पूरा 6 है, ये बी है तो ये 6 माइनस बी हो जाएगा, ये 5 माइनस ए है तो ये भी 5 माइनस ए हो जाएगा, ये 6 माइनस बी है तो ये भी 6 माइनस बी हो जाएगा, और ये पूरा 7 है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 5 माइनस ए प्लस 6 माइनस बी बराबर है 7 के। 6 5 11 माइनस ए माइनस बी बराबर 7 के, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, यहां से 4 आ गया, और ए प्लस बी है क्या, वो तो एक्स है, तो एक्स बराबर 4 आ गया, तो हो गया ना। लेकिन मैं आपसे बस ये कह रहा हूं, एग्जाम में ना, या थ्योरम, अब खुद बताओ एग्जाम में आप थ्योरम याद रखोगे तो फायदा है, या ऐसे करने से फायदा है। थ्योरम क्या है कि आमने सामने का सम बराबर होता है, 6 5 मतलब 7 है, ये निकालना है सीधा सीधा आंसर 4 6 5 11 7 4 11 आंसर। तो एग्जाम में कैसे करोगे, डायरेक्ट थ्योरम लगाओगे ना, बाकी प्रूव करना है तो कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही ना, क्लियर है, समझ में आ गया सब लोगों को। एक्स को याद नहीं करना है, देखो इस बात को जितनी जल्दी मान लो उतनी जल्दी अच्छा रहेगा, कि थ्योरम्स याद करनी है, ठीक है। हाँ करो इसको, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ना, कैसे, तो क्या लिखा है, कोर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल व्हेन प्रोड्यूस मीट एट ए पॉइंट पी आउटसाइड
दी सर्कल, मतलब एक सर्कल है, इसकी दो कॉर्ड हैं, इनको आगे प्रोड्यूस किया गया है जो कि पी पॉइंट पर आकर एक दूसरे से मिलती हैं। ए बी आपको 6 दिया हुआ है, सी डी 3 है, पी डी 5 है, बी पी निकालना है। आपको पता है कि ए पी बी पी बराबर सी पी डी पी होता है, इसको एक्स ले लो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x इंटू एक्स बराबर, ये हो जाएगा 8 इंटू 5। सही, अब जरा ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझेंगे। ये हो गया 6 प्लस x, बाकी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 8 में 40 है, देखो 40 लिखा है ना, ये 40 लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 10 चौक 40 लिख सकते हो भाई, 8 में 40, तो 40 को 10 चौक 40 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बताओ, कंपेयर कर लो, एक्स के लिए 4 आ गई, आप देख लो चेक। यो मैन यो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी फिर, ठीक है। हाँ, मतलब कहने का ये है, मैंने यहीं पर ऐसे फैक्टर कर लिए जिनका डिफरेंस 6 था, और 10 और 4 की मल्टीप्लाई 10 चौक 40 हो रहा है, और डिफरेंस 6 है, तो हो गया ना यहीं पर काम खत्म, ठीक है भाई। देखो यहाँ डिफरेंस 6 आ रहा है ना, एक्स में और एक्स प्लस 6 में, तो मैंने ऐसे फैक्टर कर लिया, आंसर आ गया। नहीं, ये करा देता हूं आसान, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बताओ फिर आंसर। बहुत अच्छा, अच्छा ये तो मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, तो नहीं, ये करा देता हूं आसान, करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। करिए, सभी का आंसर आ गया। क्या लिखा है, टू सर्कल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हमें निकाल ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमें निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है 17 स्क्वायर, और R1 प्लस R2 ये फॉर्मूला हो गया, ओके, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 8 15 17 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, टिंग टिंग टिंग, लो समझ में आ गई बात। क्लियर है सभी को, तो लिख दीजिए फिर यस सर, वैसे सभी ने आंसर दे दिया है।
फिर से मैं आज कुछ आपको होमवर्क में दे रहा हूं, पहले बस मुझे इतनी सी बात बता दो, होमवर्क का फायदा मिला आज, होमवर्क करने का फायदा मिला आज? होमवर्क करने से फायदा ये होता है कि आपको पहले से ही पता होता है कि मुझे सर से क्या पूछना है ना? यही तो है, बस यही तो चाहिए आप लोगों से। मुझे सही कर रहे, समय तक याद रहता है। हाँ, एक्सटेंगल बाइसेक्ट हम करा देंगे, मांचू करा देंगे, ठीक है, अगली क्लास में करा देंगे। चलो ये रहा फिर पहला क्वेश्चन, आंसर के साथ दे रहा हूं, ठीक है। और हाँ एक चीज और है, होमवर्क करने से एक फायदा और होता है, आपको दो तरीके पता चल जाते हैं, है ना? एक तो अपना वाला तरीका पता चल जाता है, एक मेरे वाला तरीका पता चल जाता है। तो दो रेटिंग देने के लिए लगाते हो, और वो बहुत अच्छी बात है। जब टीचर आपके लिए 1.5 घंटा 2 घंटा लगाता है, तो आपको 1 मिनट फीडबैक जरूर देना चाहिए रुक के, है ना, क्लास का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गाइस, इतने सारे लोगों ने दिया ना, मजा आ गया देख के। पहले भाग जाते थे क्लास खत्म होते ही। एक, दो, तीन, चार, पांच, फीडबैक जरूर देना चाहिए रुक के, है ना, क्लास का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच गाइस, इतने सारे लोगों ने दिया ना, मजा आ गया देख के। पहले भाग जाते थे क्लास खत्म होते ही। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ग्यारह, बारह, नौ, दस, ग्यारह, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, 15 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं आपको आज, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब मैं आज की क्लास का लिंक आपको दे देता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि वो सबके पास पहुंच जाता है फिर।